फेंक रहे हो खाना क्योंकि रोटी सूखी है, इज्जत से फेंकना ये साहिब, किसी की बेटी कल से भूखी है। नमस्कार, मैं अनिल के कुमार इम्प्रिंट आज आपके साथ जुड़ा हूँ और आज का सवाल है, कुछ लोग इस कोरोना के दौर पे लोगों की सहायता करते सोशल मीडिया पर फोटो क्यों डालते हैं? दोस्तों, पहले हम इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करते हैं कि व्यक्ति दो तरह का होता है, या तो वो इंटरनल फ्रेम का होता है या एक्सटर्नल फ्रेम का। मैं इसमें बताना चाहूं, जो इंटरनल फ्रेम के व्यक्ति होते हैं वो खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं, वो खुद के लिए काम करते हैं। वहीं जो एक्सटर्नल फ्रेम के बंदे होते हैं वो दूसरों के डर से कोई काम करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए काम करते हैं। देखिए, जो व्यक्ति इंटरनल फ्रेम के होते हैं उनको आप कैसे पहचान सकते हैं? माना किसी के घर पे किसी के बच्चे की शादी है और आप उससे पूछते हो कि इतना खर्चा करने की क्या जरूरत। एक व्यक्ति कहता है कि भी एक बच्चा है, क्यों ना मैं अपनी तुम अपने दिल के अरमा क्यों नहीं पूरे करूं। वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है कि भाई अगर एक बच्चा है, अगर नहीं करूंगा तो क्या कहेंगे लोग, क्या कहेगा ये समाज। दोस्तों, जो पहले वाला व्यक्ति है वो इंटरनल फ्रेम का है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अपने तक है कि वो सेटिस्फाई होना चाहिए। वहीं दूसरा जो बंदा था वो बाहर से एक्सटर्नल सोसाइटी से इफेक्ट होने वाले फ्रेम का बंदा था। दोस्तों, इसी तरह के दोनों फ्रेम के बंदे आज कोरोना के दौर में लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो इसमें जो इंटरनल फ्रेम का बंदा है वो साइलेंटली जाता है, जिसकी जरूरत होती है उन लोगों को हेल्प करके आ जाता है। वहीं जो एक्सटर्नल फ्रेम का बंदा है वो जब किसी की हेल्प करता है तो उसकी फोटो लेता है और दुनिया को दिखाता है और बताता है कि उसने किसी की हेल्प की, ताकि लोग उससे कहें कि हाँ आपने अच्छा किया, क्योंकि वो लोगों के लिए ही काम कर रहा है और लोगों से ही उसने प्रेज सुननी होती है, इसलिए सोशल मीडिया पे डालते हैं। अब दूसरे पहलू पे आते हैं मेरे दोस्त, कि क्या सोशल मीडिया पे डालना गलत है या सही। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग कहीं भी घूमने जाते हो तो वहां की फोटो डालते हो, आप कोई सेलिब्रेशन करते हो तो वहां की फोटो डालते हो सोशल मीडिया पे, क्यों? क्योंकि आप दिखाना चाह रहे हो कि आप खुश हैं। तो यदि कोई व्यक्ति आज किसी की हेल्प कर रहा है और वो दिखा रहा है कि वो किसी की हेल्प कर रहा है, तो उसको नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, उसको भी पॉजिटिव लीजिए। जब एक आदमी पिकनिक करके आता है, टूर करके आता है, उसकी फोटो डालता है, दूसरा आदमी उसे इंस्पायर होके टूर पे जाता है, तो क्या किसी व्यक्ति ने कोरोना के ड्यूरेशन में किसी की सहायता की, उसने फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाली, तो क्या उससे कोई इंस्पायर नहीं हो सकता? उससे भी इंस्पायर हो सकता है, कल के लिए उनका भोजन अरेंज करने के लिए। आज का भोजन उस मिस्टर ने अरेंज कर दिया, कल का हो सकता है कोई और करेगा। तो दोस्तों, ये पॉजिटिव वेव्स हैं और पॉजिटिव वेव्स डालने में कोई नुकसान नहीं है और इससे सकारात्मकता ही फैलती है और चारों तरफ एक सौहार्द का माहौल बनता है। चाहे आप इंटरनल फ्रेम के हैं, चाहे एक्सटर्नल फ्रेम के हैं, बस जरूरत आज इस बात की है कि इस दौर में जरूरतमंद को जरूर सहायता करें। मैं आशा करता हूं ये जवाब आपको सहायता करेगा और आप इस चीज को समझेंगे, जो भी किसी की हेल्प कर रहा है, मुद्दा आज सिर्फ हेल्प करने का है, चाहे वो सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। चलिएगा दोस्त, यूं ही मुस्कुराते रहिएगा, गुनगुनाते रहिएगा और इस कोरोना की नेगेटिविटी के ड्यूरेशन में कुछ पॉजिटिविटी फैलाते रहिएगा। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक, हो सकता है कोई और इंस्पायर होकर किसी जरूरतमंद की हेल्प कर दे। जय हिंद, जय भारत।